शिक्षकों के हड़ताल के 10वें दिन बोधगया विधायक पहुंचे धरना स्थल, कहा इनकी मांगे जायज। बोधगया, बिहार के शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। शिक्षकों के हड़ताल से स्कूल में पठन पाठन का कार्य ठप हो गया है। शिक्षकों के हड़ताल के 10वें दिन बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत धरना स्थल पहुंच शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि बच्चों की भविष्य के लिए इनकी मांगों को मान लेनी चाहिए। ये हमारा भारत की संस्कृति रही है कि माँ बाप और शिक्षक ये असली ईश्वर का रूप होता है, क्योंकि माँ बाप जो है वो जन्म देता है और शिक्षक जो हैं उनको इस ओर ले जाता है जो भी बच्चे जो हैं, और शिक्षक के प्रयास से वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है या देश का फौजी बनता है या देश का नाम रोशन करता है। और जिस तरह से लगातार जो रवैया चल रही है सरकार का और जो इनके द्वारा जो मांग दी गई है, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। आप अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, गांव में कौन पढ़ता है? जो गरीबी रेखा से नीचे हैं ज़्यादातर लोग जो है हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और पढ़ाई के बजाय इनको कभी विष्णुपद ड्यूटी देते हैं, कभी कालचक्र पूजा में ड्यूटी देते हैं, कभी जानवर गिनने की ड्यूटी दे देते हैं, कभी जो है जनगणना में लगा देते हैं। तो इनकी कोई मांग मैं नहीं समझता कि जेन्युइन नहीं है। आज सदन में कल हम लोगों की जो बैठक हुई थी प्रतिपक्ष के नेता के साथ, उसमें आज सदन में इन्हीं का प्रश्न जो है उठाई गई थी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा, और आज इनकी मांग के समर्थन में मात्र 10 मिनट जो है हमारा सदन चला है। और सदन जो है तेजस्वी जी ने जब अपनी बात इनकी पक्ष का जब रखा तो सदन की कार्रवाई रोक दी गई, और हम इनके साथ हैं। लगातार इनकी जो मांगे हैं पूरे बिहार में, इनके हमारे दल जो है इनके क्या मांग है आप लोगों का बताइए। हम लोग का मांग है सहायक शिक्षक का दर्जा, जो पुराने शिक्षक को जो मिल रहा है वो हम लोग के सहायक शिक्षक का दर्जा दें, हम लोग का यही मांग है। और सेवा सर, जो सरकार 4.5 साल बीत चुका, 15 में ही सरकार 3 माह का समय लिया था कि 3 माह में हम सेवा शर्त लागू कर देंगे, इस 4.5 साल बीत जाने के बाद अभी तक सेवा शर्त हम लोग को लागू नहीं किया, और उसका मजबूरी में हम लोग के आज धरना प्रदर्शन हड़ताल करना पड़ा। सरकार के माध्यम हम लोग धरना के माध्यम से 18 जुलाई, 5 सितंबर, 19 जनवरी को सरकार को हमने आगाह किया कि हम लोग से वार्ता करें, लेकिन सरकार हम लोग से वार्ता नहीं किया, मजबूरन में हम लोग के हड़ताल पर आना पड़ा। अभी 10 दिनों से हम लोग 10वां दिन चल रहा है और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। हम लोग को मांग है सहायक शिक्षक का दर्जा, जो पुराने शिक्षक को जो मिल रहा है वही दर्जा हम लोग मांग रहे हैं। और अगला हम लोग का रणनीति है 27 तारीख को पूरे बिहार में अपने परिवार के साथ सभी प्रखंड कार्यालय पर हम लोग के धरना रहेगा। 1 तारीख के पूरे बिहार में सभी विधानसभा सदस्य के क्षेत्रीय आवास पर हम लोग धरना देंगे। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर मधु, मगध प्रमंडल अध्यक्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। क्यों यहाँ पे हम लोग का समान काम समान वेतन की ये लड़ाई है। विगत कई साल से सरकार जो है हम लोगों को झांसा दे रही है, चाइनीज वेतन इस तरह से दे रही है, किसी को देते हैं ज़्यादा वेतन, किसी को कम देते हैं, जबकि हम लोग सारे लोग समान काम करते हैं। क्या वो अगर ABCD पढ़ा रहे हैं तो क्या हम लोग उसका अलग अर्थ बता रहे हैं? अगर वो एप्पल ए फॉर एप्पल मीन्स सेब बता रहे हैं
तो क्या हम कुछ और बता रहे हैं? अगर हम अलग नहीं पढ़ा रहे तो फिर वेतन क्यों अलग मिल रहा है? तो वेतन हम लोगों को जो है सरकार बहुत कम दे रही है, हम लोगों की क्वालिटी के अनुसार दे ही नहीं रही है। हम लोग इसके लिए ही यहाँ पे धरना पे बैठे हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को सुने, पूर्ण वेतन मान दे, यहाँ हम लोग को जो है सरकारी कर्मी का दर्जा दे, सेवा शर्त लागू करे। कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग जो है ये हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। और ये हड़ताल जब तक हमारी मांगे मतलब पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। अपना परिचय दीजिए। दरक्षा क्या है? टीचर।